वेल दोस्तों, आज हम आपको जिस महारानी की कहानी बताने जा रहे हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो जिस मर्द को पसंद करती थी उसे अपना बनाकर ही दम लेती थी। जी हाँ, इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि वो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कहीं ना कहीं अपने कद को बढ़ाने के लिए करती थी। दोस्तों, आज हम हफ्सा सुल्तान के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपको पता चल जाएगा कि कैसे इस महिला ने बड़े बड़े राजाओं को अपना दीवाना बनाया। दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हफ्सा सुल्तान, जिसे आयशे हफ्सा सुल्तान भी कहा जाता है, सेलिम प्रथम की उपपत्नी और ओटमन साम्राज्य के पहले वैद सुल्तान की मां थी। सुलेमान महान सन 1520 में अपने बेटे के सिंहासनारूढ़ होने और 1534 में उसकी मृत्यु के बीच की अवधि के दौरान वो ओटमन साम्राज्य में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थी। पारंपरिक दृष्टिकोण ये मानता है कि हफ्सा सुल्तान साल 1466 और 1515 के बीच की अधिकांश अवधि के लिए क्रीमियन टाटर्स के खान मेनली आयगियर की बेटी थी, जिसे 17वीं शताब्दी के पश्चिमी लेखकों के खातों के आधार पर चुनौती दी गई है। ओटमन दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर एक ईसाई दास की उत्पत्ति केवल कुछ ही इतिहासकार अभी भी पारंपरिक दृष्टिकोण का पालन करते हैं, जिनमें ब्रायन गिलन विलियमसन भी शामिल हैं। रेसार्ट कसाबा ने सेलिम प्रथम और हफ्सा सुल्तान के बीच विवाह का उल्लेख एक तुर्क सुल्तान और पड़ोसी मुस्लिम शाही परिवार के सदस्य के बीच अंतिम विवाह के रूप में किया है। ऐसे नटिल, हालांकि ये कहा गया है कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वो गिराई की बेटी थी। दूसरों ने उल्लेख किया है कि आयसे नाम की क्रीमियन राजकुमारी सेलिम प्रथम की पत्नियों में से एक थी और हफ्सा गुलाम मूल की हो सकती है। दोस्तों, हफ्सा सुल्तान के बारे में एक ही बात कही जाती है कि जब भी इन्हें मौका मिलता था, ये बस अपनी जिस्म दिखाकर दूसरे राजाओं को पागल कर देती थी। आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब इनकी शादी सुल्तान सुलेमान से हुई तो सलीम 4 महीने तक कमरे से बाहर नहीं निकला। यानी कि आप समझ सकते हैं किस तरह से सुल्तान सुलेमान जिस्म का भूखा था और कैसे हफ्सा ने सलीम को अपने जिस्म का रस चखाकर दीवाना कर दिया। सबको पता था कि हफ्सा हद से ज्यादा खूबसूरत है। कई मंत्री भी हफ्सा के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहते थे, लेकिन राजा सुल्तान सुलेमान से डरते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार दूसरे प्रांत के राजा से सलीम के ऊपर हमला किया गया और उसे हरा दिया। जीतने वाले राजा को जब पता चला कि हफ्सा जैसी खूबसूरत पत्नी इसके पास है, तो हफ्सा को अपने आगोश में भरना चाहता था। आपको बता दें कि उसने सुल्तान सुलेमान से बोला कि तुम चिंता मत करो, युद्ध में हारे तो क्या हुआ, मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस कर दूंगा। साथ ही सुल्तान सुलेमान का दोस्त बन गया, क्योंकि उसकी नजर हफ्सा के जिस्म पर थी। उस राजा ने एक किताब भी लिखी थी जहां उसने कहा था कि हफ्सा का सीना देखकर मैं पागल हो गया। उसके सीने को देखकर लग रहा था मानो अभी कपड़े को फाड़कर वो बाहर आ जाए। दोस्तों, सुल्तान सुलेमान ने एक दिन हफ्सा को उस राजा के महल में भेज दिया, जहाँ राजा ने हफ्सा के साथ खूब मजे लिए। जी हाँ, आपको बता दें कि दिन रात दोनों एक दूसरे के साथ बिस्तर में मौज करते थे। हफ्ता का रिश्ता कई दिनों और कई पुरुषों के साथ भी था। इसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले ओटमन साम्राज्य में क्या रोल था हफ्सा का, ये जानते हैं। सोलोमन 16वीं शताब्दी में यूरोप का प्रमुख सम्राट बन गया। वो तुर्क या ओटमन साम्राज्य के शीर्ष पर पहुंच गया। उसकी दो पत्नियां थीं और हरम में उसकी सेवा के लिए कई औरतें रखी गई थीं। सुलेमान की दूसरी पत्नी हुर्रम सुल्तान हरम से ही सुलेमान के करीब आई थी, लेकिन ये खुशनसीबी हरम की दूसरी औरतों को नहीं मिल पाई। हरम में संबंध बनाने से पहले और बाद में कई कठोर नियमों का पालन औरतों के लिए अनिवार्य था। ऐसा करने के पीछे का मकसद था सुलेमान को उत्तराधिकारियों की संख्या सीमित करना। इसलिए 16वीं शताब्दी में जब कॉन्डोम या फिर गर्भ निरोधक गोलियां नहीं थी, हरम की औरतों को गर्भ रोकने के लिए एसिड तक का इस्तेमाल करना पड़ा। हरम की औरतों को वजाइना की सफाई के लिए एसिड का इस्तेमाल करना होता था। औरतें नींबू, संतरा या फिर अनार के रस से सफाई करती, सिरके का भी इस्तेमाल करती। ये एसिड स्पर्म को मारने का काम करता था। यही नहीं, हरम की औरतों के गर्भ को रोकने के लिए जड़ी बूटियों का सहारा लिया जाता था। इस काढ़े में पुदीना, क्रोक्स या हॉस्टेल और वर्मवुड का इस्तेमाल होता था, ताकि गर्भ ठहर भी गया हो तो गर्भपात हो जाए। औरतों को हरम में सुल्तान से मिलने से पहले बहुत तैयारी कराई जाती थी। गर्भ से बचने के लिए जैतून और देवदार के तेल का इस्तेमाल किया जाता था। यही नहीं, हरम से वापस आने के बाद औरतों को शहद, गोभी या अनार के रस से भीगे कपड़ों को वजाइना में रखा जाता था, ताकि स्पर्म खत्म हो जाए। दोस्तों, हमारी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने में, तो प्लीज अपना प्यार जरूर दें। ओटमन साम्राज्य एक तुर्की साम्राज्य था, जिसे उस्मानी साम्राज्य भी कहा जाता है। इसकी स्थापना उस्मान गाजी ने की थी। हालांकि इसके बाद कई और सुल्तानों का यहां पर शासन रहा है, मगर वर्ष 1266 में इस साम्राज्य का विस्तार पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी यूरोप से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक हो गया। उस्मान गाजी
उस्मान गाजी ऑटोमन साम्राज्य से पहले सुल्तान और संस्थापक थे। इसका शासन 6 सदियों तक रहा। कहा जाता है कि उसका शासन काल लगभग 1258 से 1326 तक रहा। बता दें उनके वालिद का नाम वालिद एर्तुगरुल गाजी था और उनके वालिदा का नाम हलीमा था। इतिहास के अनुसार राजवंश के नाम और उस साम्राज्य की स्थापना दोनों ही इनके नाम अरबी से हुई। ओरखान गाजी ऑटोमन साम्राज्य के दूसरे और सबसे शक्तिशाली सुल्तान थे, जिसने 1324 से 1362 तक तुर्की पर शासन किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर पश्चिम अनातोलिया पर भी कब्जा कर लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कहा जाता है इनके दौर में प्रजा काफी खुश थी और इस दौरान मुस्लिम सल्तनत को भी बढ़ावा मिला। मुराद सुल्तान को मुराद प्रथम कहा जाता है, जो उस्मान साम्राज्य के तीसरे शासक थे। इन्होंने 1362 से 1389 तक शासन किया था। इतिहास के अनुसार मुराद सुल्तान और ओरखान प्रथम और वालिदा नीलोफर खातून के बेटे थे। इनके शासन काल में उस्मान साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। बताया जाता है उन्होंने बाइजेंटिनी शहर एड्रियानापोल पर फतह हासिल की, उसका नाम बदलकर अदराना रख दिया। इन सुल्तानों के अलावा बायजीद प्रथम, महमूद प्रथम, मुराद द्वितीय, महमद द्वितीय आदि भी सुल्तान रहे, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कल्पना कीजिए एक ऐसी सभ्यता का जिसका स्वर्णकाल 16वीं शताब्दी तक अपनी बुलंदियां छू रहा था। इस समय इतनी घटनाएं हुई कि एक इतिहास में शामिल हो गया। ऐसे कई सारे खतरनाक ट्रेंड जो कि इस सभ्यता में पहली बार देखने को मिलते हैं। ऑटोमन साम्राज्य का उदय वर्ष 1266 में हुआ। इसे तुर्क साम्राज्य या उस्मानिया सल्तनत कहा जाता है। उस्मानिया सल्तनत कई सदियों तक कायम रहने वाली एक बड़ी सल्तनत थी। इस सभ्यता ने यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के बड़े हिस्से पर हुकूमत की और दूरगामी प्रभाव छोड़े। इस साम्राज्य का विस्तार दक्षिण पूर्वी यूरोप, पश्चिम एशिया से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक हो गया। ऑटोमन का अर्थ तुर्क होता है और तुर्क शब्द खाना बदोशों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑटोमन साम्राज्य एक तुर्क साम्राज्य था जिसके संस्थापक उस्मान गाजी थे। इन्हीं के नाम से इस साम्राज्य को उस्मानी साम्राज्य कहा गया। ऑटोमन अम्पायर को समझने के लिए इसकी भौगोलिक स्थिति को समझ लेते हैं। उस समय ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। इसकी राजधानी इस्तांबुल थी, जो एक ऐसी जगह पर मौजूद है जो उस समय में एक महत्वपूर्ण ट्रेड रूट पर मौजूद थी। ये एक ऐसी सभ्यता जो सबसे अधिक समय तक अस्तित्व में रही। इस साम्राज्य ने लगभग 700 साल तक राज किया और अपनी शीर्ष अवस्था तक इस साम्राज्य का विस्तार लगभग 58 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गया था। इस सभ्यता का एक संबंध भारत से है। ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसने इस्लाम को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाने और भारत में मुगल सल्तनत की नींव को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑटोमन सभ्यता का पतन। वर्ष 1600 के दशक की शुरुआत में ऑटोमन साम्राज्य ने यूरोप में फिर से आर्थिक और सैन्य प्रभुत्व कायम करना आरंभ कर दिया। ये वो दौर था जब यूरोप औद्योगिक क्रांति के साथ तेजी से मजबूत होने लगा, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य अमेरिका और भारत के व्यापार से मुकाबला करने में कमजोर पड़ने लगा। अंत में वर्ष 1683 में युआना के साथ लड़ाई में तुर्क हार गया और यही हार उनके पतन का प्रमुख कारण बनी। इसके बाद साल 1922 आते आते ऑटोमन साम्राज्य की प्रशासनिक शिथिलता व अक्षमताओं की वजह से संपूर्ण साम्राज्य की कृषि, उद्योग, धंधे, व्यापारिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। इसका प्रभाव दूसरे उद्योग धंधों पर भी पड़ने लगा और इसका नतीजा ये हुआ कि पूरी सल्तनत की कार्यक्षमता घट गई। इसकी वजह से एक बड़ा हिस्सा यूरोप के अधीन हो गया। इन सब का परिणाम यह हुआ कि ऑटोमन साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया और प्रथम विश्व युद्ध के समय इसका अंत हो गया। दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का इंटरेस्टिंग वीडियो? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।